जी हाँ, सरगोधा में होने वाले कंटोनमेंट इंतखाबात का मेला आजाद उम्मीदवारों ने लूट लिया। सरगोधा की 10 वार्ड में से 5 वार्डों पर आजाद उम्मीदवार बाजी ले गए, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 3 वार्ड और मुस्लिम लीग नून 2 वार्ड में कामयाब होगी। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल पार्टी बगैर कोई स्कोर बनाए पोलियन खाली लौट गए। रात गए जीतने वाले उम्मीदवारों की हामियों के ढोल की ताप पर भंगड़े। अगर कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की बात की जाए तो सुबह से ही गहमा गहमी अपने अरूज पर देखने को मिली। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। लोही इलाका हतकशुमारी 9 नंबर वार्ड में निजी कारकुन और तरीके इंसाफ के कारकुनों में झगड़े का वाकया पेश आया, जहाँ पर पुलिस और रेंजर की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर हालात को अपने कंट्रोल में लिया। दूसरी तरफ इलेक्शन नतज की बात की जाए तो 10 वार्ड में होने वाले इलेक्शन में 5 वार्डों में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, दीगर सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया, जबकि हुक्मरान जमात तरीके इंसाफ सिर्फ 3 वार्ड में सख्त मुकाबले के बाद कामयाब हुई। दूसरी तरफ सरगोधा मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, जिसने मुस्लिम लीग नून ने अब इस दफा टोटल 2 सीटें लेने में कामयाब हुई। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल पार्टी कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही। इलेक्शन के नतीजे सामने आते ही जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले, भरपूर अंदाज में आतशबाजी की और मिठाई तकसीम की। मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।